हाउ टू स्टे फोकस्ड नो मैटर वॉट. मेरे फ्रेंड ने मुझे कल एक क्वेश्चन पूछा कि पार्थ, तेरे अन्नपूर्णा एक्सपीडिशन को बहुत कम दिन बाकी है एंड बहुत सारा पैसा रेस करना बाकी है. हाउ आर यू स्टिल एबल टू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, पुट इन द वर्क, पुट इन द आवर्स, पुट इन द सेम एफर्ट कंसिस्टेंटली, नोइंग दैट देर इज़ अ हाई चांस दैट आई माइट नॉट बी एबल टू गो. एंड दिस गॉट मी टू थिंक कि यू नो, जब भी हम कोई गोल हाथ में लेते हैं, किसी गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, व्हेन समथिंग डज नॉट हैपन द वे वी वांट, वी टेंड टू लूज द फोकस एंड यू नो वी लूज दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन. एंड ऐसे टाइम पे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट बैक टू द रूट्स ऑफ योर गोल सेटिंग, बिकॉज आंसर्स इन क्वेश्चन के हमेशा रूट्स पे ही होते हैं. एंड this one question, if you ask why, क्यों आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, जब भी आपने वो गोल सेट किया उसके पीछे का पर्पस को फील करने का कोशिश करो, उसके पीछे जो रीज़न है उसको सोचो, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे जब आपने स्टार्ट किया था, गेट यू नो उनको समझो. एंड किसी भी काम को अंजाम तक ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग एक्शंस कंसिस्टेंटली तभी ही हो पाएंगे जब उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, विच विल यू नो टेक यू थ्रू नो मैटर व्हाट हैपेंस. इसी चीज़ को एक एग्जांपल लेके समझते हैं. इमेजिन करो आपके सामने एक 6 फीट 5 इंच ऊँचा हट्टा खट्टा पहलवान खड़ा है लंगोट वंगोट पहन के, एंड आपके लाइफ का गोल है कि आपको उससे फाइट करना है, उससे लड़ना है. क्यों लड़ना है भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या पर्पस है इसके पीछे? अगर समझदार हो तो लड़ोगे नहीं, उससे भाग लोगे उससे, और कोई बेवकूफ़ी उससे भिड़ेगा. अभी इसी सिचुएशन में एक सेंस ऑफ पर्पस लाते हैं. वही सेम सिचुएशन इमेजिन करो, आप खड़े हो, आपके सामने एक हट्टा खट्टा पहलवान खड़ा है और आपके पीछे आपकी माँ खड़ी है, एंड वो पहलवान आपको नहीं आपकी माँ को मारना चाहता है. अब आ गया एक सेंस ऑफ पर्पस, अब आ गया एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इमोशन बिहाइंड दिस. नाउ यू विल डू व्हाट इज नीडेड. अभी ये क्वेश्चंस माइंड में नहीं आएंगे कि व्हाई एम आई नॉट फोकस्ड, यू नो मैं क्यों करूँ इसको, ये क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस नाउ एंड यू विल डू व्हाट इज नीडेड. And there's a high chance that you might actually win against that pehlwan. Though, you know, jabhi thode se off track ho jao apne goal se, jo bahut natural hai, just go back to your roots. Goal setting ki shuruaat pe jao. And wo purpose jab aapko yaad aayega ki kyun shuru kiya tha, like that thing will bring you back on track. And this is how, you know, I am focused for my Annapurna expedition. Despite every day things not going my way, because the training is something which I have 100% control over. The outcome, maybe not 100%, but the input, the process is something that I have 100% control over. Aur ye cheez kisi ka baap bhi control nahi kar sakta, hai na? So yes, if you like this video, वो सब जो कहते हैं लोग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, क्या क्या कहते हैं लोग, वो मुझे कहना नहीं आता, लेकिन या तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, वेर एवर यू आर वॉचिंग. एंड इफ़ यू हैव सम टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट मी टू टच, एनी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एनी थॉट प्रोसेस दैट यू वॉन्ट मी टू यू नो एनालाइज एंड गो यू नो इन टू इट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जहाँ भी आप देख रहे हो. एंड yes, thank you so much for watching.